हेलो क्लास फिफ्थ, लेट्स कंटिन्यू योर साइंस चैप्टर थर्ड। फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट एड फॉर अ माइनर बर्न, यानी कि जलने पर आपको क्या करना है। फॉर ए माइनर बर्न पुट द अफेक्टेड स्किन अंडर रनिंग और कोल्ड वाटर फॉर अ फ्यू मिनट। अगर आपको जल जाए तो आपको जहाँ पर जला है उसको आप उस पार्ट को आपको ठंडे पानी में या फिर इस तरह से चलते हुए पानी में डुबो कर रखना है थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको वहाँ पर ठंडक मिले। लाइटली अप्लाई ए गाज बैंडेज। गाज बैंडेज मतलब वहाँ पर आप मलमल की या जालीदार पट्टी बांध लें, हल्के से बांधें, आप उसको ज़्यादा टाइट ना करें। डू नॉट पुट एनी ऑइंटमेंट, जहाँ पर जला है वहाँ पर आप कोई मरहम ना लगाएं, बटर, मक्खन या अदर रेमेडीज या फिर कोई और चीज़ ना लगाएं ऑन द बर्न, जहाँ पर आपको जला है वहाँ पर आपको ये सब नहीं लगाना है। दिस कैन मेक द बर्न वर्स, इससे क्या होगा, आपका जो जला हुआ घाव है वो बढ़ सकता है। इफ द बर्न आर सीरियस कॉल अ डॉक्टर, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जल गया है तो आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है। नेक्स्ट है फोर कट स्क्रैप, अगर आपका कट जाए या कोई खरोच लग जाए तो क्या करना है। इफ़ देयर इज़ अ ब्लीडिंग, अगर खून बह रहा है, प्रेस फ्रिमली ओवर द वाउंड विद क्लीन क्लॉथ, वहाँ पर साफ कपड़े से आप थोड़ी देर दबा कर रखें। क्लीन विद लेकवॉर्म रनिंग वाटर, गुनगुने पानी से या फिर चलते हुए पानी में उसे धो लें। एंड जेंटली पार्ट पैट ड्राई, और उसे हल्के से सुखा लें हल्के हाथों से साफ कपड़े से। इफ़ द स्किन इज ब्रोकन अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट, और अगर आपकी स्किन अलग हो गई है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे एंटीसेप्टिक दवा मरहम लगानी है, जैसे कि डेटोल होती है हमारी, वैसे रोगाणुरोधक कोई मरहम लगाना है आपको। एंड देन कवर विद अ बैंडेज, और फिर और उस पर आप बैंडेज यानी कि कोई पट्टी लगा लें और गाज या कोई जालीदार कपड़ा या मरहम का कपड़ा बांध लें। इफ़ द ब्लीडिंग डू नॉट स्टॉप, और अगर खून नहीं रुक रहा है, कॉल द डॉक्टर इमिडिएटली, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। फॉर नोज़ ब्लीड, अगर आपके नोज़ में खून आ रहा है तो, इफ़ द नोज़ ब्लीड, अगर नोज़ में खून है, सीट अपराइट एंड डू नॉट टिल्ट योर हेड बैक, आप सीधे बैठें और अपने जो हेड है, सिर है, उसको पीछे मत करें, हिलाए ढुलाए नहीं। पिंच द लोअर एंड द नोज़ क्लोज टू द नोज़ ट्रिल, आपको जो नोज़ के नीचे वाला पार्ट है और जो नोज़ ट्रिल यानी कि नथुने हैं उनको मिला लें। फिर क्या करना है, डू नॉट रिलीज एंड चेक द नोज़, आप इसको छोड़ें ना, इसको मिला कर रखें थोड़ी देर के लिए, और आप नोज़ को चेक करने की भी कोशिश ना करें, उसे छेड़ें ना। यू कैन पुट एन आइस बैक, सॉरी पैक अराउंड द नोज़ आफ्टर द ब्लीडिंग स्लो डाउन, और जब ऐसा करने से आपकी ब्लीडिंग, खून बहना कम हो जाए तो वहाँ पर आप आइस भी लगा सकते हैं। इफ़ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप फॉर मोर देन 10 मिनट्स, अगर आपकी ब्लीडिंग 10 मिनट तक नहीं रुकी और रिटर्न लेटर या फिर दोबारा होने लगी, कॉल अ डॉक्टर, तो क्या करें, आप डॉक्टर के पास जाएं। नेक्स्ट है फोर इंसेक्ट बाइट स्टिंग, यदि आपको कोई कीड़ा मकोड़ा काट ले या कुछ डंक मार जाए तो आपको क्या करना है, जैसे मधुमक्खी डंक मार दे तो क्या करना है। इफ़ द इंसेक्ट लेट स्टिंग, अगर आपको कोई कीड़ा मकोड़ा काट ले, जेंटली स्क्रैप द स्किन विद योर फिंगर नेल टू रिमूव इट विदाउट ब्रेकिंग इट, अगर किसी जैसे मधुमक्खी है आपको डंक मार ले तो आपको क्या करना है, अपने नेल्स से इसको वहाँ पर स्किन में से आप उस डंक को निकाल लें, या फिर किसी बड़े की हेल्प से आप ऐसा करें। इफ़ द बिटन बाय इंसेक्ट लाइक बी और वास्प, यदि आपको मधुमक्खी काट ले, अप्लाई पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम, वहाँ पर आप क्या करें, बेकिंग सोडा लगा लें या फिर कोल्ड क्रीम जिसे आप सर्दियों में यूज़ करते हैं वो लगा लें,
कॉल द डॉक्टर इफ़ यू हैव ट्रबल इन ब्रीदिंग, अगर आपको सांस लेने में, टाकिंग यानी कि बोलने में और कफिंग खांसने में तकलीफ़ हो रही है तो आप क्या करें, डॉक्टर के पास जाएं। नेक्स्ट है की टर्म्स, फर्स्ट एड द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, किसी भी घायल व्यक्ति को देने वाली दी जाने वाली तुरंत दी जाने वाली सहायता, बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर के आने से पहले तुरंत दी जाने वाली सहायता जो कि हम घायल व्यक्ति को देते हैं उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड। नेक्स्ट है की पॉइंट्स, वी कैन बी सेफ बाय फॉलोइंग सम सिंपल सेफ्टी रूल वाइल एट होम, हम घर पर कुछ सुरक्षा के नियम अपनाकर सुरक्षित रह सकते हैं, और ये रूल्स आपको कहाँ अपनाने हैं, एट स्कूल एंड ऑन द रोड, स्कूल में और सड़क पर भी। मैनी एक्सीडेंट कैन अकर एट होम इफ़ वी डू नॉट फॉलो द सेफ्टी रूल इन द किचन, अगर हमारा जो एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, घर पर भी हो सकती है। कब हो सकती है, अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो। सेफ्टी रूल्स को हमें कहाँ कहाँ फॉलो करना है, किचन में, बाथरूम में एंड अराउंड एट होम, और घर में चारों तरफ हमको सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट है इंजरीज कैन अकर इन स्कूल ऑल्सो, चोट आपको स्कूल में भी लग सकती है, क्यों लगेगी, ड्यू टू केयरलेसनेस एंड द नेजिलेंस, जब आप लापरवाही करेंगे या फिर नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनको अनदेखा करेंगे तो चोट आपको स्कूल में भी लग सकती है। वन शुड बी वेरी केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, आपको रोड पर भी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, सुरक्षा के नियमों को, ताकि आपको चोट ना लगे। फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प दैट कैन बी गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, प्राथमिक चिकित्सा जो कि आप घायल व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता को कहते हैं, बिफोर द अराइवल ऑफ प्रॉपर मेडिकल एड, और आप ऐसा तब करते हैं जब तक वहाँ पर कोई भी डॉक्टर या सहायता नहीं पहुँचती है। सम कॉमन सिचुएशन लाइक माइनर बर्न, कुछ ऐसी स्थितियाँ जैसे कि जलना, कट लगना, इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े को काट लेना, और नोज ब्लीड में क्या कर सकते हैं आप, कैन बी हैंडल विद फर्स्ट एड दे सकते हैं। नाउ आर लेसन इज कम्प्लीट, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर, वी हैव कम्प्लीटेड थर्ड क्वेश्चन, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, नेम सम कॉमन एमरजेंसी दैट कैन रिक्वायर फर्स्ट एड, ऐसी परिस्थितियों के नाम बताइए जिसमें आप फर्स्ट एड दे सकते हैं। आंसर है सम कॉमन सिचुएशन लाइक माइनर बर्न, कट, स्क्रैप, इंसेक्ट बाइट और नोज ब्लीड कैन बी हैंडल विद फर्स्ट एड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन टू ट्रीट ए माइनर कट, अगर कट लग जाए तो क्या करना है आपको, स्टार्ट आंसर यहां से करें, इफ़ द स्किन इज ब्रोकन अप्लाई द थिन लेयर ऑफ एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट एंड देन कवर विद अ बैंडेज। नाउ मूव टू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू सेफ्टी रूल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, एट होम, एट स्कूल, ऑन द रोड, आपको घर पर, स्कूल में और रोड पर कौन कौन से सेफ्टी रूल को फॉलो करना है, आपको दो सेफ्टी रूल बताने हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट है जो हमारा, हम वो लिखेंगे घर पर हमको कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को अपनाना है। आंसर है आपका, नेवर लीव योर टॉयज और अदर थिंग्स लेइंग अराउंड ऑन फ्लोर, उसके बाद आप लिखें नेवर टेक अ मेडिसन ऑन योर ओन, ये जो सेफ्टी रूल्स आपको घर पर फॉलो करने हैं। उसके बाद था आपको स्कूल में कौन कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने हैं, आपको दो लिखने हैं सेफ्टी रूल इस तरह से, फर्स्ट एक लाइन में और सेकेंड नेक्स्ट लाइन में। उसके बाद आपको लिखना है आपको स्कूल में कौन कौन से सेफ्टी रूल अपनाने हैं, फर्स्ट लिखेंगे आप बी केयरफुल इन स्टेयरकेस, नेक्स्ट लिखेंगे डू नॉट ब्रिंग एंड यूज शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड इन क्लास, उसके बाद था आपको रोड पर कौन कौन से सेफ्टी रूल अपनाने हैं, तो आप ये लिखेंगे ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, डू नॉट रोड,
इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, रोड पर सेफ्टी रूल आपको कौन से फॉलो करने हैं, फॉलो द ट्रैफिक लाइट। इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं जो कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखा था, क्रॉस द रोड यूजिंग जेब्रा क्रॉसिंग। तो ये वो सेफ्टी रूल है जो आपको रोड पर फॉलो करने हैं। तो इस तरह से आपको घर पे, स्कूल पे और रोड पर कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, अलग अलग आप इन्हें लिख लें और याद कर लें। तो टुडेज होमवर्क इज़ राइट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन थर्ड एंड रीड लेसन थर्ड कंप्लीट। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।